गाइस कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्ट टीवी को अपने जो स्मार्टफोन है उसके वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर स्मार्ट टीवी में आप इंटरनेट कंटेंट का मज़ा ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास है सोनी ब्रावियर टीवी और साथ में है शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इनको हॉटस्पॉट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि अपना जो स्मार्टफोन है उसकी सेटिंग्स में आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको जो हॉटस्पॉट और डेटा का ऑप्शन मिल रहा है दोनों को ऑन कर देना है। इसके बाद में आपको जो हॉटस्पॉट है इसको प्रेस करके रखना है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट और यहाँ पर आपको अपने हॉटस्पॉट के जो पासवर्ड है वो मिलेंगे। तो अब आप अपने फ़ोन को एक बार के लिए साइड में रख दीजिए और चले आइए अपने टीवी के रिमोट के ऊपर। तो ये रहा हमारे टीवी का रिमोट जिसमें हमें ऑप्शन मिल रहा है होम का और बहुत सारे बटन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जिनमें से आपको होम को प्रेस करना है। और होम में आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिखाई देगी जहाँ पे आपको जो सेटिंग का ऑप्शन है इसके अंदर जो सिस्टम सेटिंग है इसमें चले जाना है। लेकिन गाइस अगर आप किसी और भी ब्रांड का स्मार्टफोन या टीवी यूज़ कर रहे हैं तो स्मार्टफोन में ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि हो सकता है कि जो टीवी का इंटरफेस है वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो आप सिंपली उसके जो सेटिंग्स का ऑप्शन है उसके अंदर चले जाइए। इसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो सेटअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आप चले आइए और सबसे आपको ऊपर नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा तो आप नेटवर्क पे चले आइए। नेटवर्क को ऑन कर लीजिए यहाँ से और उसके बाद में जाइए बिल्ट इन वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट को, इन दोनों को देखिए कि ऑन है या नहीं है। अगर ऑन नहीं है तो आप यहाँ से इनको ऑन कर दीजिए। इसके बाद में आपको जाना है नेटवर्क सेटअप में और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यू नेटवर्क सेटिंग और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटअप नेटवर्क कनेक्शन। तो आपको सेटअप नेटवर्क कनेक्शन के अंदर चले जाना है। इसके बाद में आपको पूछेगा कि नेटवर्क कनेक्शन आप इजी मोड में जाना चाहते हैं एक्सपर्ट मोड में, तो हमें इजी मोड में जाना है। इसके बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्कैन का होगा एक WPS पुश बटन का होगा, तो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में ये जो टीवी है ये कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा और आपका जो स्मार्टफोन का वाईफाई हॉटस्पॉट है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा थोड़े समय में। हालाँकि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आप ये देखिए कि टीवी ने मेरा जो डिवाइस है उसको डिटेक्ट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कि रेडमी नोट 5 प्रो है कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने है तो आपको ओके को प्रेस करना है और सो पासवर्ड पे जाना है और WPA की को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। तो आप पासवर्ड आपको कहाँ मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने फ़ोन का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उसकी सेटिंग्स में आप चले जाइए और यहाँ पर आपको पासवर्ड दिखाई देंगे कि देखिए ABC00012 यहाँ पे ये पासवर्ड है जिनको आपको एंटर करना होगा और आपको यहाँ पे जो कैपिटल स्मार्ट लेटर्स हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं अभी पासवर्ड जल्द से जल्द एंटर कर देता हूँ। तो आप अपने फ़ोन में चेक कर लीजिएगा कि आपके पासवर्ड क्या है, उनको आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद में एंटर पर क्लिक कीजिए और एंटर पर प्रेस करने के बाद में आप इस तरह की एक सेटिंग में चले जाएंगे तो आपको अपने रिमोट में ये वाला बटन प्रेस करना है। अब ये फिर से यहाँ पर कनेक्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आपको दिखाई रहा है कि आपका जो टीवी है आपके डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए कि वायरलेस डिवाइस ऑन टीवी फाउंड, लोकल एक्सेस ओके, इंटरनेट एक्सेस ओके। तो आपका जो टीवी है आपके फ़ोन के हॉटस्पॉट के साथ में कनेक्ट हो चुका है। तो आपको सिंपली बैक चले आना अपने रिमोट की मदद से और अपने टीवी में होम बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आप देखिए कि यूट्यूब का ओपेरा टीवी का ऑप्शन आ गया है। पहले आपको ये नहीं देखने को मिल रहा था क्योंकि आपका जो टीवी है वो किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ में कनेक्ट नहीं था और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा आपको अपने टीवी में आप जो भी इंटरनेट कनेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं वो सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिएगा, उनके रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्मार्ट टीवी और अपने जो स्मार्टफोन के साथ में और जो अदर फीचर्स जिनको आप इन्जॉय कर सकते हैं उनके बारे में आपको और भी वीडियो चैनल पर जल्द ही मिलने वाली है।